यार मेरे को कोडिंग करनी है, मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ, बट एंड में मेरे से कुछ होता ही नहीं है। इफ दिस इज़ यू देन यू आर एट द राइट वीडियो। इस वाली वीडियो में हम ऐसे 5 टेक्निक्स, 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं विच विल हेल्प यू लर्न कोडिंग फास्टर। एंड ट्रस्ट मी, इनमें से सारे मैंने खुद भी यूज़ करे हुए हैं। दे हैव रियली हेल्प मी आउट व्हेन आई वाज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट और बिफोर इवन क्रैकिंग माइक्रोसॉफ्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे एंड शायद कर भी रहे हो बट आप लोगों को पता नहीं था। एंड द फोर्थ वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट। हाय गाइस, आई एम निशांत चारा, मैं एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, करंटली बिल्डिंग एल्गोप्रेप एंड तैयारी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यूज खुद देने के बाद, ये ऐसी टेक्निक्स है जो मैंने खुद भी यूज़ करी, अपने स्टूडेंट्स को भी बोला यूज़ करने एंड दे हैव ऑल्सो सीन रिजल्ट्स। तो आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 टेक्निक्स के बारे में विच विल हेल्प यू लर्न कोडिंग फास्टर। आप लोगों ने 80-20 रूल के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट एग्जैक्टली 80-20 रूल का मतलब क्या है? 80-20 रूल का मतलब ये है कि 20% चीज़ आप ऐसी सीखो जिनसे 80% ऑफ योर वर्क इज डन। वट डज दिस एग्जैक्टली मीन? अब इस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये परेटो प्रिंसिपल आया कहाँ से था? जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था तो ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू टीच इंग्लिश टू ऑल द कॉलोनीज दे हैड। अब ये करने के लिए जो एक्चुअल इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी है, बहुत सारे वर्ड हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा हैं। अगर वो सारे सिखाने बैठते तो लोग कभी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। सो दे चोज 850 वर्ड्स जो जनरली हम बात करते हैं उसमें इंग्लिश में यूज़ करते हैं। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू टीच इंग्लिश इन देयर कॉलोनीज ताकि वो इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। सो दे क्रिएटेड बेसिक इंग्लिश। अब इस बेसिक इंग्लिश में 850 वर्ड्स हुआ करते थे जिससे आपकी नॉर्मल जनरल कम्युनिकेशन 80% तक हो जाती थी। इसमें बहुत सारे फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं थी। जो आजकल लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे बेसिक इंग्लिश के हम वर्ड्स, कीवर्ड्स, वोकैबुलरी यूज़ कर रहे होते हैं। एंड सेम प्रिंसिपल वी कैन अप्लाई इन कोडिंग। अब इसका मतलब क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब भी हम कोई भी कोडिंग लैंग्वेज या कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू लर्न आर लूप्स, फंक्शंस, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स कैसे नेम करते हैं, एंड दीज आर द थिंग्स विच कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी आप कोई कोड लिख रहे होते हैं तो 80% कोड यही सब हो रहा होता है कि फॉर लूप्स क्या है, वाइल लूप्स क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या है, इसके अलावा आपके फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, आपको वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने होते हैं, अगर कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं। इफ यू आर एबल टू लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन यू कैन से दैट यू हैव लर्न दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 80%। अब उसको और ज्यादा आप लर्न कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द सर्कल एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोर थिंग्स दैट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज हैज। एंड इस चीज को मैंने खुद भी यूज किया था व्हेन आई वाज लर्निंग स्विफ्ट। स्विफ्ट में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होती हैं, जैसे क्लोजर्स वगैरह, तो वो सब चीजें मैंने बाद में लर्न करी थी। स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड लर्निंग नॉर्मल इफ एल्स फॉर लूप्स कैसे लिखे जाते हैं एंड उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आई यूज टू प्रैक्टिस इट ऑन लीड कोड। जो बेसिक लीड कोड के इजी या मीडियम क्वेश्चंस हुआ करते थे आई स्टार्टेड सॉल्विंग देम यूजिंग स्विफ्ट। सो इससे आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफी अच्छे से सीख सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल नंबर 1। अब इफ़ यू आर समवन जो बार बार कोई नए कॉन्सेप्ट सीखता है बट उसको भूल जाता है एक हफ्ते बाद, तो यहाँ पे सेम चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है। यहाँ पे आपका जो काम आएगा प्रिंसिपल वो है इबिंगस फॉरगेटिंग कर्व। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज़ जब आप कर रहे होते हो उसको बार बार रिपीट करके चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा उन चीज़ों को रिवाइज करोगे, उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ में। जब भी कोई हम नई टेक्नोलॉजी या नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे ये सेम चीज़ हमारे साथ होती है। कैसे उसका सिंटैक्स होता है, कैसे हम एग्जैक्टली फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें हम भूलते रहते हैं। बट मोर वी रिवाइज बेटर वील गेट। तो जब भी आप कोई नई चीज़ सीखो हर दूसरे दिन ट्राई टू रिवाइज इट। तो रिवाइज इट फर्स्ट आफ्टर 1 डे, देन आफ्टर 3 डेज, देन आफ्टर 5 डेज एंड आफ्टर 1 वीक, देन यू विल रिमेंबर इट मोर। एंड बाद में जब आप 1 महीने बाद भी वो चीज़ देखोगे तो आपको याद रहेगी। एंड आई हैव ऑल्सो यूज दिस प्रिंसिपल मल्टीपल टाइम्स बिकॉज चीज़ें भूलना इज नेचुरल। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं। सो मच इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर बट दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू रियल लाइफ एंड सेम फॉर कोडिंग एज वेल, जिससे आपकी जो फॉरगेटिंग कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड इस चीज़ को रिवाइज करने के लिए मेक फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स पर लिखते रहो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है, उस चीज़ को रिवाइज करना जल्दी आसान हो जाता है। नोट्स बनाओ तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव छोटे छोटे नोट्स बनाया करो। एंड दिस वॉज आर टेक्निक नंबर 2। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है वो एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई नया फ्रेमवर्क, नई टेक्नोलॉजी या फिर नया टेक स्टैक सीख रहे होते हो तो यू नीड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना ज़्यादा आप चीज़ें सीख पाओगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज इज टफ इफ़ यू डोंट मेक प्रोजेक्ट्स। बस क्रैम कर रहे होगे, बस उसको पढ़ रहे होगे तो नहीं सीख पाओगे। सो नंबर 3 इज़
मेकिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो जब भी आपने 20% चीज़ें सीख ली हैं उनको आप बार बार याद करते रहो, रिवाइज करते रहो एंड फाइनली ट्राई टू अप्लाई देम इन अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ अप्लाई कर रहे होगे देन यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लर्निंग कैपेसिटी। जब भी आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी आप उससे बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेक अ कैलकुलेटर इफ यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो टिकेंटर को यूज करके आप बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू लर्न मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड दिस वॉज आर प्रिंसिपल नंबर 3। तो इन तीनों को यूज करके आई एम टेलिंग यू कि मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट टू आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू गेट इवन बेटर। और जो हमारा आता है वो आता है डिलिबरेट प्रिंसिपल। जब अगर हम एथलीट्स की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए बार बार ट्रेन करते रहते हैं। समवन wants to be a good runner, they will run regularly. They will run in intervals and एक fixed time duration में same चीज़ कर रहे होते हैं। If someone wants to build their body, तो वो same muscle group को हर हफ्ते train कर रहे होते हैं। Same is for you. If you want to learn coding, you'll have to train your brain. And इस चीज़ को करने के लिए you need to set your goals. जब हम coding कर रहे होते हैं तो basically तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एक, हम errors को कैसे identify करें एंड डिग डीप कैसे कर पाएं, हम अपने कोड को डीबग कैसे करें एंड फाइनली हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। अगर इन सारी चीज़ों के लिए आप अपना टाइम सेट कर दोगे कि मेरे को आधा घंटा ये चीज़ करनी है, आधा घंटा ये चीज़ करनी है, फिर आज मेरे को ये चीज़ करनी है, कल मेरे को ये चीज़ करनी है, देन यू विल बी एबल टू लर्न फास्टर। सो हाउ यू कैन यूज इट, 30 मिनट दो आप कोई भी नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, 30 मिनट दो उसको प्रैक्टिस करने के लिए एंड 30 मिनट दो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। किसी ने नहीं बोला कि अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो पूरा एक बार में बनाना है। You can take a whole month or 15 days to build that particular project. And this was our principle number 4. Now last but not the least, Feynman principle is a principle जहाँ पे दूसरों को पढ़ाने से या फिर tutorials create करने से, blogs लिखने से आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीखते हो। This is also called building in public और showcasing in public. जब भी आप कोई नया concept सीखो you can make a YouTube video. जब भी आप कोई नया concept सीख रहे हो तो make a blog. Medium पे आप articles लिख सकते हो, LinkedIn पे आप articles लिख सकते हो या फिर Quora पे आप answers लिख सकते हो या फिर अपने किसी दोस्त को ही पढ़ा सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हो। But when you teach other people, you are able to learn that particular concept faster. जो उनको डाउट्स आ रहे होंगे वो आपको डाउट्स नहीं आएंगे बिकॉज आप उनके डाउट्स सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो यू विल बी एबल टू लर्न दोज थिंग्स जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स इफ यू अप्लाई टुगेदर देन यू लर्न कोडिंग मच फास्टर। ध्यान से इस वाली वीडियो को फिर से देख लेना, पेन एंड पेपर लेके नहीं लिखा था तो फिर से एक बार लिख लेना क्या क्या चीज़ें करनी है। बिल्ड योर ओन स्केड्यूल, अपने हिसाब से चीज़ें करो बट डू इट कंसिस्टेंटली। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप चीज़ें करोगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आई विल मेक दैट फॉर यू। एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के।